वेलकम इन माय क्लासेस आई एम राहुल गुप्ता योर साइंस एक्सपर्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता एंड दैट इज चैप्टर सेवन क्लास ट्वेल्व पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम बात कर रहे थे ग्रुप फिफ्टीन के बारे में सो so, स्टूडेंट्स इस ये वीडियो थर्ड है चैप्टर सेवन की ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट्स की बात कर रहे थे और लास्ट हमारा पॉइंट था प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया सो टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया यूज इस नोट डाउन टेक पैन एंड नोटबुक

वीक बेस एक्ट एज लुस बेस लुस की डेफिनेशन में बताया भी गया है ठीक है स्टूडेंट्स तो वॉटर का जो है वो वॉटर में आपको ईजिली यह रिएक्शन कर लेता है हाईली सोलबल होता है प्रेसिपिडेशन हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल फ्रॉम देअर एक्व सोल्ड सोल्यूशन आप अमोनिया की वॉटर से रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनता है यानी कि डिसोशिएशन कॉन्सेंट जो हो very small होता है वो वेरी स्मॉल होता है इसीलिए इसे वीक बेस कहते हैं लुइस बेस की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है यानी प्रोटोन डोनेट करने का वर्क करता है लॉन पेयर प्रेजेंट होता है सो दैट वाई एक्टेस लुइस बेस और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड को ये इजीली रिएक्शन कर लेता है कंबाइन विद एसिड टू फॉर्म अमोनियम सोल्ट अमोनियम सोल्ट बना लेता है एसिड से कंबाइन करने के बाद ठीक है स्टूडेंट्स तो ये रिएक्शन नोट कर लीजिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा एक्वस अमोनिया की तो यदि तो तो आप मेटल में सोल्व करोगे तो वो क्या करेगा एक्वस सोल्ट सोल्यूशन बना लेगा यानी जिंक हाइड्रोक्साइड बना लिया देख लीजिए आप पीपीटी के फॉर्म में ये रिएक्शन आपको दिखाई दे रही होगी सो यू जस्ट नोट डाउन फेरिक क्लोराइड और जिंक सल्फेट की रिएक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड सो दैट इज रेड इज ब्राउन पीपीडी और व्हाइट पीपीडी फॉर्म्ड होती है आप देखिए जैसे ही आपने मिक्स किया क्या हुआ रेड इज ब्राउन पीपीडी फॉर्म्ड हो गया सो वी कैन से दैट दैट अमोनियम आयन इज प्रेजेंट इन द सोलूशन ये रेड इज ब्राउन पिपिडी फेरिस ऑक्साइड बता है सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया गैस यू कैन अंडरस्टैंड नाउ फॉर्मस कॉम्पलेक्स कम्पाउंड विथ ट्रांसिशन मेटल आयंस कॉपर के साथ आसानी सेलेक्शन कर लेता है सिल्वर कैडनियम सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये क्या कर लेता है मेटल आयन्स बना लेता है लाइक कॉपर सल्फेट में आपने मिक्स किया तो क्या बनाया गया टेट्रामीन कॉपर सल्फेट बना लेता है क्या बनाता है टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट डीप ब्लू कलर का रहता है सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड के साथ भी आसानी से रिएक्शन कर लेगा और देखिए किस तरीके से आपका क्या कर रहा है डाई अमीन सिल्वर क्लोराइड यानी कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है कॉम्प्लेक्स का मतलब मिल जाएगा मिक्स हो जाएगा उसके साथ एड हो जाएगा सो फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ मेटल आयंस मेटल आयंस के साथ ये क्या करता है आपका फॉर्म कर लेता है ठीक है स्टूडेंट्स अब देखिए किस तरीके से कलर का चेंजिंग हुई है यहां पर क्योंकि ये क्या कर रहा है ये कॉम्प्लेक्स आयन बना रहा है दैट्स इट शोज दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो ठीक है अब यूज देख लीजिए अमोनिया के अमोनिया के क्या क्या यूज है देखिए अमोनिया का यूज आप यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर में पंप जो होता है उसमें पंप लगा होता है रेफ्रिजरेटर में उसमें यूज होता है फर्टिलाइजर्स में फर्टिलाइजर्स में अमोनियम फॉस्फेट का अमोनियम सल्फेट का यूज होता है ये अमोनियम फॉस्फेट का भी यूज होता है अमोनियम सल्फेट का भी यूज होता है इंडस्ट्रीज में यूज होता है अमोनिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा ही फॉर्म में इसके अलावा ये ऑक्सो एसिड्स है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इनके फॉर्मले उनके ऑक्सीडेशन स्टेट आप नोट कर लीजिएगा पांच टाइप के ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट इन ऑल्स प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव लोअर ऑक्सीडेट भी है और हायर ऑक्साइड्स भी बनेते हैं फिजिकल अपियर स्ट्रक्चर केमिकल नेचर लेबोरेटरी प्रिपरेशन देख लेते हैं देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात कर लेते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड देखिए स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे प्रिपेयर होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड वो भी देख लीजिए आप नाइट्रोजन सो अमोनियम नाइट्रेट को बना लेते हैं और उससे ये नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है कलरलेस uh, प्रॉपर्टी रहती है फेयरली सोलेबल इन कोल्ड वाटर नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है आपको पता होना चाहिए ये तो लाफिंग गैस भी कहलाती है आपकी नाइन टू ओ ठीक है लेस सॉलेबल इन हॉट वाटर और इसे हम कहते हैं लाफिंग गैस बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाफिंग इसे आदमी जैसे ही स्मेल करता है स्मॉल अमाउंट में पागल हो जाता है हंसते 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 तो ये होता आपका end to, आप हो है तो आपका एन ठीक है एक्वस सोलूशन में यदि आप ब्लू और रेड में मिक्स करोगे तो ये आपका कलर फॉर्मेशन देता है यानी चेंजेस कर देता है लीनियर मॉलिक्यूल इसका स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है देख लीजिए इस तरीके से ठीक है दिखाई दे रहा है आपको एक तरफ बॉन्ड लेंथ वन थर्टीन एक तरफ वन हंड्रेड नाइनटीन उसके बाद कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रिक ऑक्साइड के बाद एनो की बात, NO बात यह भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से फॉर्म होता है सोडियम नाइट्रेट फेरस सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करने के बाद देखिए एसिडिफाइड फेरस सल्फेट लेते हैं उसमें आपने मिक्स कर दिया सोडियम नाइट्रेट तो बन गया आपका नाइट्रिक एसिड जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड की में रिएक्शन करेंगे तो ये बॉन्ड आपके फॉर्म हो जाएंगे इस तरीके से प्रॉपर्टी देख लीजिए कलरलेस गैस ब्लू कलर वैन लिक्विफाइड स्प्रिंगलिस सॉलिबल इन वॉटर ठीक है अब केमिकल नेचर देख लीजिए नाइट्रोजन ऑक्साइड का देखिए किस तरीके से न्यूट्रल ऑक्साइड है तो उसका कलर को कोई फॉर्मेशन होगा ही नहीं कोई इफेक्ट नहीं होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर अभी आपने देखा ही कैसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड सो so दैट इज 115 पिकोमीटर इसकी होती है बॉन्ड लेंथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बहुत अच्छे से आपको पता भी है नाइट्रोजन ऑक्साइड के आप देख लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज कलरलेस गैस ब्लू कलर वाइन लिक्विफाइड स्प्रिंगलेस वोलिबेल नॉन एज आपको अभी बताया था इसमें तो ये प्रॉपर्टी आपके डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड एन टू थ्री प्लस थ्री के लिए है एक किस तरीके से प्रिपरेशन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड की डाई नाइट्रोजन टाइट्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है कूल होने पर बिलो ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर होती है प्रॉपर्टीज देख लीजिए नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन के साथ ये फॉर्म होता है एस एनहाइड्रस एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में डिजोल्व हो जाती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करती है ये भी डायनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बॉन्ड बॉन्डलैन देखिए सब में डिफरेंट है आपकी एंगल भी सब में डिफरेंट है वन थर्टी वन सेवेंटी वन हंड्रेड फाइव उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कह सकते हैं आप ठीक है तो देखिए प्रिपरेशन किस तरीके से होता है लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करेंगे तो आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्साइड फॉर्मड हो जाता है प्रॉपर्टीज देख लीजिए ब्राउन कलर गैस मिक्स एंड ऑफ नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड ठीक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है सोडियम नाइट्रेट बना लेता है अब देखिए कलर किस तरीके का बना रहा है ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है ठीक है ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है ये तो अभी मैंने आपको बताया ही था एंगुलर इन शेप बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड भी यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आप बात कर सकते हैं फोर का मतलब क्या है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है ठीक है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है अपने आप में देखिए किस तरीके से डायमराइजेशन रिप्रेजेंट कर रहा है चाहे आप डाई नाइट्रोजन और टेट्रो ऑक्साइड क्या दीजिए एनओ टू डायमराइजेशन हो ही, आपको एन टू ओ फोर बन जाता है डाय नाइट्रोजन टेट्रो ऑक्साइड बनता जाता है दो मोलिक्यूल नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का फॉर्म हो जाएगा सो दीज आर द डायमराइज टू कलरलेस एन टू ओ मोलिक्यूल ंगलि फाइव वन ट्वेंटी पिकोमीटर 121 ट्वेंटी वन पिकोमीटर होती है आपकी देख देखिए किस तरीके से रिएक्शन होगी एन टू फोर सोलिड फॉर्म में एनओ टू आपका गैस फॉर्म में होगा ब्राउन कलर में आपका फॉर्ड होता है देखिए और उधर वो आपका कलर लेस है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है बस प्रॉपर्टीज डायमनाइज हो जाते हैं माइनस इलेवन पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस और वन फोर्टी डिग्री सेल्सियस पे भी ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं ऊपर माइनस इलेवन पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस अब बात करते हैं डायट्रो इन पेंटा ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फाइव प्रिपरेशन मेथड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड फॉर्म डिटेल नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है वहां पर कलरलेस क्रिस्टलाइन डिस्क डीलिक्विंट सॉलिड होता है रीडली डिजोल्व इन वॉटर टू गिव नाइट्रिक एसिड कम डिजोल्व होता है पर हो जाता है ठीक है और एनहाइड्रेड ऑफ नाइट्रिक एसिड में यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है एक्वस फॉर्म यानी कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता था एसिडिक इन नेचर इसका देखिए ये भी आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड एंगल डिफरेंट 112, 134, बॉन्ड फोर डिफरेंट 151, 119 पिकोमीटर दैट इज द रिएक्शन नाइट्रोजन डाई पेंटा ऑक्साइड की रिएक्शन NO2 टू प्लस एनओ थ्री माइनस में कन्वर्ट हो जाता है यानी नाइट्रोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है अब पूछा है व्हाट इज द कोबेलेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड डाय नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड रेजोनेस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है ये तो आपको पता है तो देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करता है ये भी देख लीजिए इधर डबल बॉन्ड की पोजिशन चेंज होती है सिंगल बॉन्ड की जगह पर अब आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो एनोमलियस बिहेवियर रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट होता है ये इसके ऑक्सो एसिड्स है ठीक है देखिए हाइपोनाइट्रस एसिड चार थे इसके ठीक है नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं इसका इंडस्ट्रियल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड की इम्पॉर्टेंस बहुत ज्यादा है प्रिपरेशन मेथड देख लीजिए नाइट्रिक एसिड का आपने क्या मिक्स किया है देख लीजिए कॉक लगा दी रिसोर्ट इसमें सोडियम नाइट्रेट था कंसेंट्रेट सल्फ्य स्टार्ट किया तो आपका क्या हो गया उसमें कन्वर्ट होने स्टार्ट हो गया नाइट्रिक एसिड अब देखिए आप जैसे जैसे उसे कूल करते जाएंगे वो कन्वर्ट होता चला जाएगा सो कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन मेथड देख लीजिए जिसे हम बोलते हैं ऑस्टबाल्ट प्रोसेस सो दैट इज द प्रोसेस अमोनिया रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन से प्लेटिनियम कैटलेस के प्रेजेंस में 1155 किलो कैलविन नाइन बार पर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके नाइट्रिक ऑक्साइड में फिर सेकंड स्टेप ऑक्सीजन से द्वारा रिएक्शन फिर थर्ड स्टेप वाटर से रिएक्शन इस तरीके से ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है सो दैट इज द रिएक्शन फर्स्ट स्टेप ऑक्सीजन इनलेट प्लेटिनियम में देखिए किस तरीके से प्लेटिनियम गैस में जा रहा है नमोनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया टेम्परेचर वन थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव कैल्विन प्रॉपर्टी देख ली नाइट्रिक एसिड की कलरलेस लिक्विड व्इलिंग पॉइंट एट्टी फोर प्वाइंट वन डिग्री सेल्सियस फ्रीज टू अ व्हाइट सॉलिड एट माइनस फोर्टी वन प्वाइंट फाइव फाइव डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड कंटेनिंग सिक्सटी एट परसेंट बाई मास इज वन पॉइंट फाइव जीरो फोर स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक है तो इन कलेक्ट्री इन द लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड स्टोर्ड इन बोटल्स इज यूजली येलो इन कलर जो बॉटल्स में होता है वो येलो कलर में आपका हो जाता है क्यों हो जाता है नाइट्रिक एसिड उस चीज को समझ लीजिए देखिए नाइट्रिक एसिड जैसे ही सनलाइट की प्रेजेंस में आएगा वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपने अक्सर देखा भी होगा जो बॉटल्स होती है उन बॉटल्स में वो क्या करता है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है रखे रहने पर सो नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज भी है इट्स एक्व सोल्यूशन प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन नाइट्रेट आयन रिएक्शन देख लीजिए हाइड्रोनियम आयन अलग कर दिया उसने और नाइट्रेट आयन ना अलग कर दिया इस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से वो 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 हो हो जाता है है ठीक स्टूडेंट्स और जब वो हो जाएगा तो उसका कलर जो वो कलर जो होगा येलो में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और हॉट कंसेंट्रेटेड बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ठीक है अब कॉपर और जिंक की बात करेंगे कॉपर मिक्स करा तो आपका कॉपर और जिंक दोनों ही इनसोलेबल है ठीक है दोनों ही इनसोलेबल है बट नाइट्रिक एसिड में इट कैन डिजोल्व कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड द प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ द एसिड एंड द टेम्परेचर जो है ये कॉपर और जिंक को आपका डिजोल्व तो कर लेता है पर डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन पर सो दीज आर द रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन कॉपर नाइट्रिक एसिड डायल्यूट फॉर्म में और कंसेंट्रेटेड में ठीक है डायल्यूट में अलग कंडीशन होती है आपकी और आपके कंसेंट्रेटेड में अलग रिएक्शन होती है क्रोमियम एल्यूमिनियम आयरन आर रिटाइडेड पैसिव टू इट ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर लेता है उस पर नाइट्रिक एसिड तो ये रिटार्ड कर देता है उस चीज को ठीक है स्टूडेंट्स अब देखिए गोल्ड और प्लेटिनम की बात करेंगे ये इनसॉलेबल रहती है आपको पता है ऑलमोस्ट नोबल मेटल जो होती है वो इनसॉलेबल होती है क्योंकि तो वो रिएक्शन ही नहीं करती है बट वो कंसेंट्रेट होने पर रिएक्शन करेंगी स्टूडेंट्स ये भी आपको पता होना चाहिए देखिये वन का रेशियो लेंगे आप नाइट्रिक एसिड और किसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यानी एक्वरिजिया नोबल गैसेज डिजोल्व इन एक्वरिजिया ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस क्लोराइड है ठीक है रिएक्शन देख लीजिए क्लोरो एक, क्लोरोिक एसिड और क्लोरो प्लेटिनिक एसिड बन जाता है और नाइट्रोसिल क्लोराइड बन जाती है रिएक्शन बहुत ध्यान से देखिए यह नोबल मेटल सॉरी नॉन मेटल्स को भी डिजोल्व कर लेती है रिएक्शन नोट करते चलिएगा नाइट्रिक एसिड देखिए किस तरीके से डिजोल्व कर लेती है कार्बन फास्फोरस सल्फर आयोडीन आदि को सो यू कैन नोट डाउन द रिएक्शन नाइट्रिक एसिड विद नॉन मेटल्स ठीक है स्टूडेंट्स अब देखिए नाइट्रिक एसिड में एक ब्राउन रिंग टेस्ट होता है तो वो कैसे होता है ये समझ लीजिए ये लास्ट पॉइंट है इसका एक्वा सोल्यूशन ऑफ नाइट्रेट सोलूशन आपने नाइट्रेट सोल्यूशन में क्या करा फेरस सल्फेट मिला दिया कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया तो जब आप कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो उसमें एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है उन दोनों के बीच में सो दैट इज कॉल्ड ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट और ये आइडेंटिफाई करती है ठीक है स्टूडेंट्स सो ये क्या है ब्राउन कॉम्प्लेक्स बना लेता है ठीक है स्टूडेंट्स इस तरीके से क्योंकि फेरिक आयन वाटर प्रेजेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो फॉर्म को लेगा के मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज ड्रग्स ट्राई ट्राइनाइट्रोटोलिन बॉम्ब्लास्ट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन पिक्रिक एसिड बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है पिक्रिक एसिड फॉर्मला में देख लीजिएगा पूछा जाता है अक्सर फॉर्मला उसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट कैल्शियम नाइट्रेट बनाने में ये फर्टिलाइजर्स हैं सिल्वर और गोल्ड के प्योरिफिकेशन में नाइट्रिक एसिड यूज होता है इसके अलावा लैब रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग और नाइट्रेटिंग रिएजेंट में यूज होता है पिलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील इचिंग ऑफ मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग इन रॉकेट फ्यूल्स में भी यूज होता है सो स्टूडेंट्स दैट वीडियो इज कम्पलीटेड हेयर ग्रुप फिफ्टीन फिनिश हुआ स्टूडेंट्स थैंक्स हुई डियर स्टूडेंट्स स्टे एट होम बी सेफ एंजॉय विद फैमिली नेक्स्ट वीडियोज में आपको ग्रुप सिक्सटीन ग्रुप सेवनटीन ग्रुप एटीन की डिटेल मिलेगी ये ग्रुप फिफ्टीन आपका तीन वीडियोज में था जिसमें नाइट्रोजन फैमिली की पूरी डिटेल्स थी जितना भी आपको पढ़ना चाहिए था वो टोटल ओवरऑल प्रिपरेशन मेथड प्रॉपर्टीज उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर और ओवरऑल वो सब इसमें था थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ओके स्टूडेंट्स गुड बाय